केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के अरुणाचल प्रदेश दौरे का आज अंतिम दिन। अमित शाह आज नमती मैदान का दौरा करने के साथ हीर वालोंग युद्ध स्मारक पर अर्पित करेंगे श्रद्धांजलि। कोविड संक्रमण से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए किए जा रहे दो दिवसीय देशव्यापी मॉक ड्रिल का आज अंतिम दिन। अस्पतालों में कोविड के रोकथाम और प्रबंधन के लिए उपलब्ध संसाधनों की तैयारियों का किया जा रहा है आकलन। श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह संबंधी विवाद मामले में आज मथुरा के एक फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई। पिछले सुनवाई में अदालत ने ईदगाह के अमीनी सर्वे पर लगाई थी रोक। विदेश मंत्री एस जयशंकर युगांडा के कंपाला में तुलसी घाट परियोजना के शुभारंभ कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा भारत की सभ्यता विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से है एक। अमेरिका दौरे पर गई केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अपने अमेरिकी समकक्ष जेनेट येलेन से करेंगी मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच परस्पर हित से जुड़े तमाम मुद्दों पर होगी चर्चा। और आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स की भिड़ंत। मुंबई इंडियंस के साथ अहम मुकाबले में दोनों टीमें पहली जीत की तलाश में उतरेंगी मैदान पर। वहीं कल हुए एक रोमांचक मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को दी एक विकेट से शिकस्त। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के अरुणाचल प्रदेश दौरे का आज अंतिम दिन है। अमित शाह आज नमती मैदान का दौरा करेंगे और वालोंग युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इससे पहले सोमवार को अमित शाह ने अंजाव जिले के सीमावर्ती गांव किबूतू में वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम का शुभारंभ किया। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम पहचान किए गए सीमावर्ती गांवों के लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने में मदद करेगा और उन्हें अपने मूल स्थान पर रहने के लिए प्रोत्साहित करेगा, जिससे कि इन गांवों से पलायन रुक सके और सीमा की सुरक्षा बढ़ाने में मदद मिल सके। अमित शाह ने कहा कि भारत की नीति बिल्कुल स्पष्ट है कि हमें शांति चाहिए, लेकिन कोई हमारी एक इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि किबूतू देश का आखिरी गांव नहीं बल्कि पहला गांव है। अमित शाह ने कहा कि केवल 9 वर्ष में पीएम मोदी के नेतृत्व में प्रयासों के कारण पूर्वोत्तर को देखने का नजरिया बदल गया है। इसे अब देश के विकास में योगदान देने वाले क्षेत्रों में से एक माना जाता है। कोविड संक्रमण से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए किए जा रहे दो दिवसीय देशव्यापी मॉक ड्रिल का आज अंतिम दिन है। कल से शुरू हुए इस मॉक ड्रिल के तहत आज भी देशभर के चुनिंदा अस्पतालों में कोविड के रोकथाम और प्रबंधन के लिए उपलब्ध संसाधनों की तैयारियों का आकलन किया जाएगा। इस दौरान चिकित्सा संस्थानों में कोविड प्रबंधन तैयारी के लिए उपलब्ध बेड, एम्बुलेंस उपकरण, दवाएं और कार्यबल का परीक्षण किया जाएगा। इसके साथ ही ऑक्सीजन आपूर्ति उपकरणों और जीवन रक्षक उपकरणों की मॉक ड्रिल कर उनकी क्रियाशीलता सुनिश्चित की जाएगी। और अब नजर डालते हैं कोरोना संक्रमण के ताजा आंकड़ों पर। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देशभर में बीते 24 घंटों में कोरोना के 5,676 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 3,761 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.73% हो गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 3.81% दर्ज किया गया। इसके साथ ही दैनिक पॉजिटिविटी रेट 2.88% दर्ज किया गया। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 37,093 है।
और देश में टीकाकरण का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के तौर पर शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 220 करोड़ से ज्यादा टीकों की खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 358 से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर युगांडा और मोजाम्बिक की 6 दिवसीय यात्रा पर हैं। डॉक्टर एस जयशंकर युगांडा के कंपाला में तुलसीघाट परियोजना के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हुए। अपने संबोधन में विदेश मंत्री ने कहा कि भारत की सभ्यता विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। Actually, only two big ones. Yes, there are others. There is a Greece. There are the civilizations today in Iraq and Syria. There is Egypt. I accept that. But I would say India and China actually stand out in this regard. And the rise of a civilization state has to be reflected in how its heritage and its history is presented. How its own people actually appreciate it, what is the value that they put on it, how are they able to present it to the world, how are they able to present it to themselves. केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल फ्रांस के दौरे पर हैं। पीयूष गोयल आज पेरिस में फ्रांस के विदेश व्यापार मंत्री शॉ ओलिवियर बेख्त के साथ भारत फ्रांस व्यापार शिखर सम्मेलन की सहअध्यक्षता करेंगे। भारत फ्रांस मैत्री के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत फ्रांस व्यापार शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। शिखर सम्मेलन में हरित भविष्य के निर्माण, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा सहयोग और भारत प्रशांत क्षेत्र में सहयोग सहित कई विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। पीयूष गोयल का विभिन्न क्षेत्रों में फ्रांसीसी व्यापार जगत के दिग्गजों के साथ बैठक करने का भी कार्यक्रम है। वो सीईओ के राउंड टेबल सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। फ्रांस के मंत्री के साथ पीयूष गोयल एक ऐसे कार्यक्रम में भी शामिल होंगे जो भारत की सांस्कृतिक विरासत और सॉफ्ट पावर का प्रदर्शन करेगा और इसमें 600 से अधिक फ्रांस सरकार के गणमान्य व्यक्तियों, फ्रांस में भारतीय कारोबारी समुदाय और फ्रांसीसी व्यापार समुदाय के सदस्यों की भागीदारी होने की उम्मीद है। बाद में वे इटली के रोम जाएंगे जहां वे उप प्रधानमंत्री और विदेश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री एंटोनियो तजानी से मुलाकात करेंगे। उनका द्विपक्षीय बैठकों के लिए शीर्ष इतालवी सीईओ से मिलने का भी कार्यक्रम है, जिसके बाद सीईओ इंटरैक्टिव बिजनेस सेशन होगा जिसमें 35 सीईओ के भाग लेने की उम्मीद है। इस यात्रा से यूरोपीय क्षेत्र में भारत के प्रमुख व्यापारिक भागीदारों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक समूह की वार्षिक बैठक में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका के दौरे पर हैं। निर्मला सीतारमण आज अपने अमेरिकी समकक्ष जेनेट येलेन से मुलाकात करेंगी। दोनों नेताओं के बीच परस्पर हित से जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। इससे पहले कल निर्मला सीतारमण ने पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के एक कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस चुनौतीपूर्ण समय में भारत का G20 का अध्यक्ष होना भारत के लिए साबित करने और सभी देशों को ठोस मुद्दों पर एक साथ लाने की दिशा में एक बड़ा मौका है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत ने कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं। India has shown very clearly its initiative is working out well in pursuing with countries and agreeing to have FTAs with them. So free trade agreements are being signed, far speedily nowadays. Mm-hmm. We've just concluded one with Australia. We've concluded earlier one with the UAE, Mauritius. And as it is, we've had agreements with ASEAN, free trade agreements both in goods and services with ASEAN. We have had with Korea, with Japan. So free trade agreements have bilaterally or with multilateral groups been the route which India has had till before 2014, and now between 2019 and today we've had at least 3 major agreements signed. उन्होंने ये भी कहा कि चीन की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के कारण विश्व की सप्लाई चेन बाधित हुई है।
China is opening up back again after the zero tolerance and everything else. I would still think there would be a lot of investment interests and also manufacturing interests going back to China or restoring themselves in China. So it will be unrealistic to think everything is going to get out of China. But yet, the shock that had happened in terms of disruptions in supply chain justifies more than one location. And countries like India would be the best in terms of the skill sets that are Indians, particularly the youth. So you have every reason to come there and invest, and also a captive domestic market as well. I'm sure there are other countries which are pitching in with the same kind of tone. श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह संबंधी विवाद मामले में मथुरा की एक फास्ट ट्रैक कोर्ट आज सुनवाई करेगी। पिछले सुनवाई के दौरान अदालत ने ईदगाह के अमीनी सर्वे पर रोक लगा दी थी। फास्ट ट्रैक सिविल सीनियर डिवीजन कोर्ट के न्यायाधीश ने बीते बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान अमीनी सर्वे पर रोक लगा दी थी। इससे पहले सीनियर डिवीजन कोर्ट द्वारा हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की याचिका पर अमीनी सर्वे का आदेश दिया गया था, लेकिन बीते 5 अप्रैल को शादी ईदगाह के पक्षकारों की याचिका पर सुनवाई के दौरान इस पर रोक लगा दी गई। ऐसे में ईदगाह के अमीनी सर्वे को लेकर आज की सुनवाई काफी अहम मानी जा रही है। पीएम गति शक्ति पर 5वीं क्षेत्रीय कार्यशाला आज से वाराणसी में शुरू होगी। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल सहित 6 राज्य इस कार्यशाला में शामिल होंगे। अब तक 4 क्षेत्रीय कार्यशालाएं आयोजित की जा चुकी हैं। देश में 5 जोन यानी दक्षिणी, उत्तरी, पश्चिमी, मध्य और पूर्वोत्तर जोन में आयोजित की जा रही क्षेत्रीय कार्यशालाओं की 5 श्रृंखलाओं का ये एक हिस्सा है। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा अब पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए परियोजनाओं के बारे में योजना बनाने और इनके कार्यान्वयन के लिए प्रगतिशील कदम उठाए जाने को देखते हुए विभिन्न जोन में आयोजित की जा रही ये क्षेत्रीय कार्यशालाएं किसी परियोजना के बारे में योजना बनाने में पीएम गति शक्ति को व्यापक रूप से अपनाना सुनिश्चित करेंगी। और उत्तराखंड के केदारनाथ में मौसम साफ होने के बाद केदारनाथ यात्रा की तैयारियां तेज हो गई हैं। बर्फ को रास्तों से हटाया जा रहा है और सड़क खोलने का काम किया जा रहा है। पिछले महीने ताजा बर्फबारी के कारण यात्रा की तैयारियों में बाधा आ रही थी। ऐसे में मौसम साफ होने के साथ ही तैयारियां फिर से शुरू हो गई हैं। श्री केदारनाथ धाम के कपाट आगामी 25 अप्रैल को खुल रहे हैं। असम के नलबाड़ी स्थित रामपुर में एक बाजार में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। आग से लगभग 7 से 8 व्यापारिक प्रतिष्ठान और दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। आग इतनी विकराल थी कि आसपास की दुकानें आग की चपेट में आ गई। दमकल कर्मियों ने पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया। राहत की बात यह है कि आग से किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। और अब बात करते हैं सोशल मीडिया के जरिए झूठी खबरें फैलाकर लोगों को गुमराह करने के प्रयास की। आजकल सोशल मीडिया पर एक रिपोर्ट वायरल हो रही है जिसमें कहा जा रहा है कि किसी समारोह या पार्टी में भोजन की बर्बादी को रोकने के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर कॉल कर सकते हैं। लेकिन पीआईबी के आधिकारिक फैक्ट चेक ने इस दावे को फर्जी बताते हुए कहा है कि 1098 नंबर एक चाइल्ड लाइन आपातकालीन फोन सेवा है जो संकट में बच्चों को सहायता प्रदान करती है। जमीनी स्तर पर अपने प्रयासों से सामाजिक बदलाव ला रहे देश के सामान्य जन जिन्हें पद्म पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है, ऐसे विशेष लोगों के बारे में हम और आप अक्सर कम ही जानते हैं। इनके जीवन संघर्षों को देशवासियों तक पहुंचाने के लिए डीडी न्यूज ने शुरू की है विशेष श्रृंखला जिसका नाम है हमारे पद्म। आज हम आपको बता रहे हैं केरल के वायनाड के किसान चिरुबैल रमन के बारे में जो करीब 2 दशक से धान की देसी किस्मों को संरक्षित कर रहे हैं। चिरुबैल अभी तक 50 देसी किस्मों को संरक्षित कर चुके हैं और इनके इस सराहनीय कार्य के लिए विट्टचन यानी फादर ऑफ द सीड्स भी इन्हें कहा जाता है। ये जो आप मेरे हाथ में धान की उन्नत किस्म देख रहे हैं ये अपने आप में कई प्रकार के जेनेटिकली इम्प्रूव्ड किस्म होती है। इसका मतलब ये होता है कि जो इसकी देसी मूल किस्म थी उसमें कई प्रकार के बदलाव किए गए,
उसके बाद में इस तरह की धान की किस्में बनाई जाती हैं। खेती हिंदुस्तान में या कहा जाए दुनिया में आज इसी प्रकार से ज़्यादातर होती है, जिसमें उन्नत किस्म के बीज बनाए जाते हैं। लेकिन इसका खामियाजा भी एक होता है, वो ये कि हम इसकी देसी किस्में खो देते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के तमाम ऐसे अन्नदाता हैं, धरती पुत्र हैं, जो हमारी देसी किस्मों के संरक्षण के लिए दशकों से, लंबे समय से काम कर रहे हैं। ऐसे ही एक किसान हैं केरल के सी रमन, जिन्होंने धान की दर्जनों देसी किस्मों के संरक्षण पर काम किया और सरकार ने उनके इस काम के लिए उनको दिया है पद्म सम्मान। हमारे खाद्यान्न में धान महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हालांकि आधुनिक तकनीक के साथ जेनेटिकली इम्प्रूव्ड और हाइब्रिड चावल की किस्मों का प्रयोग जोर पकड़ रहा है, लेकिन आज भी प्राकृतिक और अधिक गुण वाली देसी किस्मों के चावल का मुकाबला नहीं है। केरल के वायनाड के कुर्चिया समुदाय के चावल की खेती करने वाले 72 वर्षीय किसान चेरुवयल रमन करीब 2 दशक से धान की देसी किस्मों को संरक्षित कर रहे हैं। वे 50 से अधिक ऐसी देसी किस्में संरक्षित कर चुके हैं जो लुप्त होने की कगार पर पहुंच गई थी और इसीलिए कहलाते हैं चिट्टचन, यानी फादर ऑफ सीड्स। ഏകദേശം 48 വർഷമായി രാസവളവും കീടനാശിനിയുടെ പാടത്തും പറമ്പിൽ ഇടുന്നില്ല। लगभग 48 वर्षों तक मेरे खेतों में कीटनाशक या रासायनिक उर्वरक नहीं डाले गए हैं, इसलिए मेरे खेतों में मछलियां, केकड़े और सांपों का पारिस्थितिकी तंत्र फलता फूलता है। मैं एक हिस्से में विभिन्न प्रकार के बीजों की खेती करता हूं। मैं इसे आधा किलो या 1 किलो के रूप में किसानों के साथ साझा करता हूं। मैं इसके लिए पैसे नहीं लेता और इनके लिए किसान केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सहित सभी राज्यों से आते हैं। मेरे चाचा थलक्कल चंतु कुरुच्च नायक इस भूमि की स्वतंत्रता के लिए पजहस्सी राजा के साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। मैं भी अपने परदादा की परंपरा के अनुसार अपने जीवन को जहर और मिट्टी के क्षरण से बचाने के लिए संघर्ष के रूप में मानता हूं। मेरा संदेश दुनिया भर में पहुंच रहा है। मेरा मानना है कि हर भारतीय को इसमें गर्व होना चाहिए। इसलिए चुनौतियों के बावजूद मैंने अपने मिशन में आगे बढ़ने का फैसला किया है। वायनाड की 55 स्वदेशी धान की नस्लों की बुवाई और संरक्षण कर रहा हूं। उन्हें विविध फसल चक्र मिले हैं। दस साल की उम्र से ही खेती से जुड़े चेरुवेल रमन धान की खेती पूरी तरह पारंपरिक और पर्यावरण के अनुकूल रसायन रहित विधि से ही करते हैं। उन्होंने जिन देसी स्थानीय किस्मों का संरक्षण किया उनमें चिन्नेलु, थोड़ी वेलियान, कल्लादियारन, मन्नुवेलियन, चिम्बक्कम, चन्नल थोड़ी, चेट्टुवेलियन, पलवेलियन और कनाली वायनाड जैसी किस्में खासी प्रचलित हैं। अपने इस काम के लिए चेरुवयल को देश विदेश में भी विशेष पहचान मिली है और उन्होंने कई राष्ट्रीय पुरस्कार भी अपने नाम किए हैं। केरला के एक किसान चेरुवेल जी को जो पद्मश्री के लिए चयनित हुए हैं, वे चावल की पुरानी किस्मों की खेती कर रहे हैं और साथ में प्राकृतिक रूप से इस खेती को कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे देश में रसायन का पूरा जोर है। जो खेती हो रही है उसमें रसायन का प्रयोग ज़्यादा हो रहा है, साथ में कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग भी हो रहा है, जिससे हमारे खाद्यान्न में रसायन का अंश आ रहा है, जिससे लोग भी बीमार हो रहे हैं, क्योंकि जो उत्पादन है वो स्वास्थ्यवर्धक नहीं है। हमारे किसान चेरुवेल जी ने इसको सुधारा है, प्राकृतिक रूप से ये चावल की खेती की है, तो इसके लिए सरकार ने उनको पद्मश्री के लिए चयनित किया है। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद कि भारत के एक ऐसे किसान को आपने चयनित किया है। धान की खेती 1500 से 800 ईसा पूर्व से होती आ रही है। यजुर्वेद में भी इसका उल्लेख मिलता है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा धान उत्पादन होता है और ये दुनिया में चावल का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। और देश में धान की देसी किस्मों को संरक्षित कर चेरुवेल रमन ने किया है बेहतरीन कार्य। धान की खेती करने वाले किसान चेरुवेल के रमन को पद्मश्री पुरस्कार के लिए हार्दिक बधाई। महान समाज सुधारक, दार्शनिक और लेखक महात्मा ज्योतिबा फुले की आज जयंती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने एक ट्वीट कर कहा है कि मैं महात्मा ज्योतिबा फुले को उनकी जयंती पर नमन करता हूं। सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्गों के सशक्तिकरण में महात्मा फुले के विराट योगदान को याद किया। उनके विचार करोड़ों लोगों को आशा और शक्ति प्रदान करते हैं। इसके साथ ही पीएम ने एक वीडियो भी साझा की है। महात्मा ज्योतिबा फुले समाज में भेदभाव मिटाने के लिए अभूतपूर्व योगदान दिया। महात्मा फुले ने उस दौर में बेटियों के लिए स्कूल खोले, कन्या शिशु हत्या के खिलाफ आवाज उठाई, उन्होंने जल संकट से मुक्ति दिलाने के लिए भी बड़े अभियान चलाए, सत्य शोधक समाज की स्थापना की, जन जन के सशक्तिकरण के प्रयास किए, उन्होंने समाज को जागरूक भी किया और उसका हौसला भी बढ़ाया। आजादी के अमृतकाल में हमें ऐसी महान विभूतियों से सीखने और निरंतर प्रेरणा लेने की जरूरत है। हमें अपने कर्तव्यों को सबसे आगे रखना है। हम लोगों का यही मंत्र रहता है, सबका साथ सबका विकास। ये मंत्र ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से मिला हुआ है। ये मंत्र हिंदुस्तान की मिट्टी की महक को लेकर के आया हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को आधिकारिक रूप से कोविड नेशनल हेल्थ इमरजेंसी को समाप्त कर दिया। अमेरिका में कोविड के कारण पिछले 3 साल के दौरान करीब 10 लाख से अधिक लोगों की जान चली गई। व्हाइट हाउस ने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कांग्रेस द्वारा पारित कानून पर हस्ताक्षर किए हैं। ये कानून कोविड नेशनल हेल्थ इमरजेंसी को समाप्त करता है। आज विश्व पार्किंसन दिवस है। विश्वभर में पार्किंसन रोग के बारे में लोगों में जानकारी और जागरूकता को फैलाना इस दिवस का मुख्य उद्देश्य होता है। पार्किंसन रोग क्या होता है, इस रोग की पहचान और लक्षण क्या है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। पार्किंसन मस्तिष्क में होने वाला रोग है। पार्किंसन रोग के विषय में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर वर्ष मनाया जाता है विश्व पार्किंसन दिवस। पार्किंसन डिजीज एक ब्रेन डिजीज है जिसमें एक केमिकल जिसे हम डोपामीन कहते हैं उसकी कमी हो जाती है और उसकी वजह से मरीज के शरीर में कंपन पैदा होता है, उसका काम कार्य में सुस्ती आ जाती है जिसे हम ब्रेडिकाइनेजिया कहते हैं और हाथ पैर सख्त हो जाते हैं जिसे हम रिजिडिटी कहते हैं। आगे चलकर इस बीमारी में मरीज अपना बैलेंस यानी संतुलन खो सकता है। इस बीमारी का इलाज संभव है बशर्त हम इसे पहले पहचाने। इसीलिए इन सब लक्षण अगर किसी में भी नजर आए तो आपको तुरंत न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। इस रोग के लक्षण समय के साथ धीरे धीरे बढ़ते हैं और रोगी का जीवन प्रभावित होने लगता है। दवाओं और सही इलाज से पार्किंसन रोग के लक्षणों को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। पार्किंसन डिजीज में और भी काफी सारे सिम्टम्स होते हैं जिसके लिए स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट की जरूरत है। अगर यह बीमारी दवाई से ठीक ना हो तो एक नई तरह की सर्जरी जिसे डीप ब्रेन स्टिमुलेशन यानी कि DBS कहा जाता है वो भी किया जा सकता है। अनेक शोध कार्य चल रहे हैं जिससे इस डिजीज से ग्रसित मरीजों को राहत मिले। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज के दिन में हम ये संदेश देना चाहेंगे कि इस बीमारी को पहचानिए, इसके बारे में जानिए और इसके लक्षण दिखाई देने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। परिवारजनों को इस मरीज के लिए सहानुभूति रहना भी बहुत जरूरी है। जीवन शैली में बदलाव से पार्किंसन रोगी के जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। उम्र बढ़ने के साथ यदि आपके हाथों में कंपन होता है तो ये पार्किंसन रोग का लक्षण हो सकता है। ऐसी समस्या होने पर विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। तो इसके साथ इस बुलेटिन बस इतना ही, हमें दीजिए अनुमति, नमस्कार।
मकसद।